बड़वानी जिले में बापू की समाधि बस्ती तो खो चुकी है। राजघाट डूब में आने के बाद वीरानी छाई रहती है। कुकरा बसाहट में अस्थि कलश स्थापित करने के बाद गांधी जी साल में एक या दो बार ही पूजे जाते हैं। आज बापू की जयंती पर कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली के बाद राजघाट सिर्फ बड़वानी में है जहाँ गांधी जी के अस्थि कलश स्थापित थे। हर वो शख्स जो नर्मदा स्नान के लिए राजघाट आता था तो बापू की समाधि स्थल पर फूल माला जरूर चढ़ाई जाती थी। यह कहा जा सकता है कि बापू की समाधि स्थल पर पूरे वर्ष चहल पहल बनी रहती थी। अब जबकि समाधि स्थल डूब में आ गया है तो बापू के अस्थि कलश भी कुकरा बसाहट में स्थापित कर दिए गए हैं, जिसके बाद राजघाट में जहां वीरानी छाई हुई है वहीं कुकरा बसाहट में बापू को वर्षों में दो बार गांधी जयंती और पुण्यतिथि पर याद कर माल्यार्पण किया जाता है। बाकी के दिनों में गांधी जी को कोई भी पूछने वाला नहीं है। आज भी गांधी जयंती के चलते नया समाधि स्थल सजाया गया। बड़वानी से अतुल कुमाऊँ की रिपोर्ट। राहुल जी, कल गांधी जयंती है, पहले और अब में क्या अंतर है? पहले जैसे कल राजघाट जो पुराना गांव था, जो सदा सौ डूब क्षेत्र में हो गया, पूरा खंडर गांव हो चुका है। और गांधी समाधि को 27 जुलाई 2017 को उखाड़े कर नई जगह लाए गए और नई जगह पर कोई ध्यान नहीं देते, उस तरीके से नहीं है। और पुराने स्थल पर कस्तूरबा गांधी की साथ में महात्मा गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी जी की भी प्रतिमा थी, जिसका पूरा रौनक थी और एक नदी के किनारे थी, जो अब नदी से दूर हो गई, नदी से 3-4-5 मीटर दूर की लगभग होने वाली है। अब हम बात करें राजघाट में क्या स्थिति दिखती है? राजघाट पूरा गांव खंडर हो चुका है, वहां पर पूरा रहने जैसी स्थिति नहीं, पूरा गांव खंडर हो चुका है, घर बेघर हो चुके हैं, स्थिति बाकी है। ये सब कुछ सदा तो डूब क्षेत्र के कारण हुआ है। प्रशासन का ध्यान है कि नहीं? प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ मूर्ति को ला दिए है, 2 अक्टूबर को याद करते, उसके बाद में कोई याद नहीं करते। पहले राजघाट में गांधी समाधि स्थित थी, जो सरदार सरोवर बांध से डूब में आने कारण उसे कुकरा राजघाट बसावट में बसाया गया है प्रशासन द्वारा। और एक दिल्ली में राजघाट है और एक बड़वानी मध्य प्रदेश में राजघाट है, जिसकी लोगों के प्रति आस्था भी बहुत थी, लेकिन उसे जिस तरीके से लाया गया और बसावट में बसाया गया उसके बाद ही ना ज़्यादा लोगों की आस्था उससे टूट चुकी है और कोई उस पर ध्यान ज़्यादा दिया नहीं जाता है। प्रशासन द्वारा जब गांधी जयंती आती है या कुछ और कार्यक्रम आता है तभी वहाँ पर जाकर उस पर ध्यान दिया जाता है। पहले के राजघाट में क्या स्थिति है और नए राजघाट में क्या स्थिति है? कुकरा बसावट के नाम से है, अभी पुनर्वास स्थल पर कोई भी सुविधा नहीं है। और राजघाट गांव में पूरा राजघाट अभी खंडर हो चुका है और वहां पर टापू बने परिवार भी रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके कोई सुध नहीं ली जा रही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।